बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये आलू और मटन वाले, आलू यानी कि आलू मटन वाले गोश्त वाले चावल, ये लाइट पापा कैन कुक में, फादर कैन कुक में जल्दी बनेगा। ये फास्ट बनाने वाला, इसमें हम डालें आलू प्याज और फिर थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा डाइजेशन के लिए जीरा डालेंगे। अब चावल डाला नहीं है और थोड़ा सा इसमें अदरक और उसका लहसुन का जो है ना वो पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा सब कुछ। अब ले लिए हम लोग चावल। इधर चावल देखो, ये अब चावल दो तीन बंदों के अंदाज कर इसमें डाल देंगे। हम गोश्त पका हुआ है वो बाद में डालना है, क्योंकि पका हुआ है गोश्त जस्ट क्विक बनाने के लिए। आज इनकी अम्मी का जो है रोज़ा है, और औरतें जब रोज़ा रखें दिसंबर और जुमेरात का उन्हें रखना नहीं, अगर आप नहीं रखें तो बनाएं, आप रखें अभी तो भी बनाएं। हाँ ठीक है, इस तरीके से चावल डालिए। हाँ इसमें एक मिनट, और इसमें हल्का सा आँच को मैं सब बैलेंस रखना है वो वाला नमक डालेंगे थोड़ा काला वाला, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट वगैरह डाल दें। डाइजेशन के लिए हम ज़्यादातर ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा नमक अच्छा नहीं है। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालें, उसको थोड़ा सा चावल को पानी डाल के ऊपर देखो कितना ग्लास पानी, पानी जितना चावल है उससे थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। कच्चा छोटा चावल है बासमती वाला, वो पके, आंच का कंट्रोल होना चाहिए। अब ये थोड़ा पकने के बाद हम इसमें इंशाल्लाह जो है वो गोश्त चूंकि पका हुआ है इसलिए बाद में थोड़ा सा आधा पकने के बाद गोश्त डालेंगे। गोश्त को क्योंकि कोरमा जो है ना वो पका हुआ यहाँ रेडी है, तो ठीक है। चावल का हाल क्या है, थोड़ा पक गया, एक तेज़पत्ता खुशबू के लिए डाल देते हैं। और जो कोरमा हम बना के रखे हैं मटन वाला वो डाल देंगे, जो ऑलरेडी पका हुआ है। इसका हल्का सा दही के साथ मैरिनेट हुआ है, तो हम ये कल रात को बनाया था कोरमा, इसको हम डाल देंगे। और ये थोड़ा सा चावल पक चुके हैं और थोड़ा सा आलू के लिए छोड़ देंगे। यस डिस्टेंस डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा डांट के ना इसको उल्टी पुल्टी कर देंगे, उठा देंगे इंशाल्लाह पानी कम हो जाएगा। पानी कम हो जाएगा तो थोड़ा सा डाल देंगे और जो है अब जो है ना इसको ढाँक देंगे आँच कम करके, थोड़ी देर तक पकाना छोड़ देंगे। बस इंशाल्लाह देखते हैं कैसे बनेगा। बस ये होने वाला है, अब देखेंगे थोड़ा सा पानी सूखना बाकी है। मसाला ये तो मस्त हो रहा है, बस ये हो गया, थोड़ा सा पानी सूखेगा और देखिए टेस्टी बन गया। आप लोग भी घर में ट्राई करिए, औरतों पे डिपेंडेंट मत रहिए। फादर कैन कुक।